देवरिया से आदित्य नारायण मिश्र की रिपोर्ट। जिला प्रशासन निष्पक्ष व पारदर्शी मतगणना कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि कल 10 नवंबर 2020 को 337 सदर विधानसभा के उपनिर्वाचन की होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना परिसर पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले होगी। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति व बिना पास के प्रवेश वर्जित होगा। मतगणना परिसर में मोबाइल भी प्रतिबंधित रहेगा। गणना कार्य सहित सभी गणना स्थल व परिसर सीसीटीवी कैमरा के नजर रहेगा। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स देवरिया में प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। गणना कार्मिकों सहित तैनात सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना कार्य को पूरी निष्ठा कुशलता एवं निष्पक्षता से निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया गया है। मतगणना हेतु रिटर्निंग ऑफिसर सहित कुल 15 टेबल लगाए जाएंगे। देवरिया विधानसभा के उपचुनाव की कल 10/11/2020 को मतगणना होगी। 8 बजे से इसकी शुरुआत होगी। जितने हमारे इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट हैं उनकी उपस्थिति में और हमारे ऑफिसर के साथ उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा। अभी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो की हुई है हमारी सीआरपीएफ की उसके टीम है उसके ग्राउंड अक्रॉस और सीसीटीवी कैमरे भी कल के लिए और अभी भी लगे हुए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और आपके माध्यम से समय समय पे जो हर हमारे राउंड को सूचना दी जाएगी किस कैंडिडेट को कितने वोट दिए और बहुत ही 400 व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की समस्या कैमरा निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उसके अनुरूप 14 काउंटिंग टेबल है। पोस्टल बैलेट के लिए आरओ और ईआरओ के बीच काउंट किया जाएगा और 487 हमारे ईवीएम हमारे 487 पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। 3 टायर सिक्योरिटी प्लान बनाए गए। किसी भी तरह की कोई